हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स 2019 के बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ डिटेल्स। और सबसे पहले जो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो मैं आपको बता दूँ कि आज यानी कि 14 जनवरी 2019 लास्ट डेट है एम्स 2019 के बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बेसिक फॉर्म आपने नहीं फिल कराया, तो आप प्लीज़ जाके जल्दी से उसे फिल करिए। और वीडियो के टॉपिक पर आए तो मैं बताने वाला हूँ बेसिक रजिस्ट्रेशन आप कैसे चेक करें कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया है नहीं या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र में www.aims-exam.org टाइप करिए, और उसके बाद कुछ ऐसा पेज आपको खुलेगा, और उसके बाद इस पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करिए। लॉगिन होने के बाद आपने अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा पेज आता है जिसमें लिखा रहता है योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज एक्सेप्टेड ड्यू टू इमेजेस, तो इसका मतलब है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन वो क्लियर हो चुका है। अगर आपके ब्राउज़र में आपके नेक्स्ट पेज में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है तो इसका मतलब है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत है। कुछ कई बार फोटोग्राफ ढंग से अपलोड नहीं हो पाती है, कई बार सिग्नेचर में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस अगर आपका ऐसा कुछ है, आपका लिखा हुआ नहीं आता, आपके कुछ करेक्शन करनी है, तो प्लीज़ पहले करेक्शन कर लीजिए। वैसे फैसिलिटी जो एज़ पर एम्स एग्ज़ाम की तरफ से जो है वो 17 से 22 तारीख तक करेक्शन बताई गई है, बट अभी भी करेक्शन हो रही है, आप अभी भी चेंज कर सकते हैं उसे। तो अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो प्लीज़ पहले इसे चेंज कर लीजिए, और अगर आपका अपलोड होने के बाद सब क्लियर हो जाता है तो आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जिस पर अपलोड इमेज इज़ डन, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रिंट, फाइनल रजिस्ट्रेशन ओनली बेसिक इज़ डन, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसा आपके में लिखा हुआ आ रहा है और योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ड्यू टू इमेजेस, ऐसा पेज खुल रहा है, तो मीन्स आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन वो क्लियर हो चुका है। आइए इसके बाद कुछ बात करते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन के अलावा फाइनल रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले तो आज लास्ट डेट है बेसिक रजिस्ट्रेशन की, ये एक एक्सटेंडेड डेट है, इसके बाद कोई डेट आ गया डेट पहले ही इसकी क्लोज हो चुकी थी फॉर्म बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की, बट ये एक्सटेंडेड डेट बढ़ा के आज 14 जनवरी 2019 शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन करनी है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसके करेक्शन के लिए 17 तारीख से 22 जनवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइनल स्टेटस है वो 25 जनवरी 2019 को आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टस 19 तारीख को अपलोड होगा, और जनरेट कर सकते हैं आप कोड फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कोड रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट्स है वो 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी और 17 फरवरी तक कोड आप जनरेट कर सकते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, पर ये उनका ही होगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और फिर 21 फरवरी से 12 मार्च तक आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही आपको उसमें फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। 12 मार्च शाम 5 बजे तक आप अपना करवा सकते हैं 21 फरवरी से फाइनल रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद 15 मई को एम्स की वेबसाइट पर आपको आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन एग्ज़ामिनेशन के जो डेट है वो 25 और 26 मई 2019, और एग्ज़ाम दोनों ही दिन दो दो शिफ्ट में होंगे। तो पहली शिफ्ट है 9:30 से 12:30 तक, और सेकेंड शिफ्ट है 2:30 से 6:30 तक। तो ये है एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग और एग्ज़ामिनेशन की डेट, और ये बताई मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए फ्रेंड्स, और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए मेडिकल की और जेई की हमारे चैनल शिवा लर्निंग को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।